हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्नेक। क्या नाम है? स्नेक, जो डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। चलिए स्नेक का पार्ट हम पढ़ लिए हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्नेक का पार्ट टू। तो स्नेक जो जो पार्ट वन नहीं देखे हैं वह स्नेक का पार्ट वन देख लीजिएगा, उसके बाद स्नेक का पार्ट टू देखिएगा, क्योंकि स्नेक पार्ट वन जब तक नहीं देखेगा स्नेक का चैप्टर टू सही सही से आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में क्या है, लेखक ने स्नेक क्यों लिखे। तो जून का महीना था और जानते हैं आप कि जून का महीना कैसा होता है। लेखक पसीने पसीने थे, देख रहे हैं ना, एकदम बहुत गर्मी था जून का महीना ने जो रहता है, काफी गर्मी रहता था। तो क्या हुआ कि अभी भी है, तो जून का महीना था, लेखक अपने छत पर थे और पैजामा पहने हुए थे। उसके बाद लेखक घरे लेकर किसी कारणवश एक उनके आंगन में कार्बोट्री था, यानी एक पेड़ था, उस पेड़ से के पास एक पानी का नाद रखा हुआ था। तो वह पानी लाने के लिए वह सीढ़ी से नीचे उतरे, तभी देखे वहां पर एक सांप आया हुआ था उनसे पहले। तो उसी को देखते हुए यह कविता लिखे कौन सा? स्नेक। तो जानते हैं स्नेक के बारे में वह क्या क्या लिखे, तो आइए जानते हैं स्नेक चैप्टर का फर्स्ट स्टंजा। देखिए पहले बर्ड मीनिंग जान लीजिए, स्नेक मतलब सांप, केम मतलब आया, माई मतलब मेरा, वाटर ट्राउ मतलब नाद या पानी की नाद, ऑन ए हॉट बहुत गर्मी, हॉट डे गर्मी की दिन या गर्मी, एंड पैजामा फॉर द हीट मतलब उष्मा या गर्मी, टू ड्रिंक देयर, ड्रिंक मतलब पीना, देयर मतलब वहां। देखिए सेकेंड स्टंजा में इन द डीप का मतलब गहराई में, स्ट्रेंज मतलब अनोखा, सेंटेड का मतलब सुगंध, शेड मतलब छाया, डार्क मतलब अंधेरा, कार्बोट्री मतलब एक पेड़। आई केम डाउन, केम मतलब आया, डाउन मतलब नीचे, स्टेप्स मतलब सीढ़ी, विथ माई पीचर मतलब घड़ा, एंड मस्ट बैट मतलब इंतजार करना। मस्ट स्टैंड मतलब खड़ा होना, एंड बैट फॉर देयर ही बाद एट द ट्राउ मतलब नाद, बिफोर मतलब पहले, और मी मतलब मुझे। लिख लीजिएगा
उसके बाद हिंदी करते हैं। वर्ड मीनिंग तो जान गए। अब देखिए पहली अष्टंजा में क्या बोलते हैं लेखक, बोलते हैं ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्राउ ऑन ए हॉट हॉट डे एंड इन पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक डेयर। कहते हैं एक सांप मेरे नाद के पास आया, जो सांप था मेरे नाद के पास आया, ऑन ए हॉट हॉट डे, करे ऑन ए हॉट हॉट डे, उस दिन बहुत गर्मी थी, क्योंकि महीना चल रहा था किस चीज का, जून का, तो जून के महीने में काफी गर्मी होती है, देख रहे हैं ना, हमको देख लीजिए कितना गर्मी है। तो ही लेखक बोल रहे हैं कि ऑन ए हॉट हॉट डे, उस दिन बहुत गर्मी थी, आज भी गर्मी है देख लीजिए। कहते हैं एंड इन पैजामा फॉर द हीट, और मैं गर्मी से बचने के लिए पैजामा पहना हुआ था। कह रहे हैं जिस दिन सांप आया उस दिन बहुत गर्मी थी, और गर्मी से बचने के लिए मैं पैजामा पहन रखा था। कहते टू ड्रिंक देयर, और पानी पीने के लिए मैं वहां गया, कहां पर गया, नाद के पास गया, जहां पर पहले से सांप आया हुआ था। ठीक, अब देखिए सेकेंड अष्टंजा में कहते हैं इन द डीप, यानी गहराई में या गहराई से, अस्ट्रेन सेंट द शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री यानी पिनाद के पास जो एक पेड़ था, उस पेड़ से छाया जहां तक आया हुआ था, उस स्थान पर एक अनोखा सुगंध आ रहा था, सेंटा रहा था। फिर कहते आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर, मैं घड़ा लेकर सीढ़ी से नीचे उतरा, या आया, एंड मस्ट वेट, और मैं इंतजार करता रहा, मस्ट स्टैंड खड़ा रहा, एंड वेट और इंतजार करता रहा, फॉर देयर ही वाज एट द ट्राउ बिफोर मी, क्योंकि मैंने देखा जहां पर सांप था, नाद था, वहां पर सांप पहले से आया हुआ है। किससे पहले, मुझसे नहीं, डीएच लॉरेंस से पहले आया हुआ था, इसीलिए डीएच लॉरेंस अर्थात लेखक वहां पर इंतजार करते रहे। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? चलिए अब देखते हैं तीसरा अष्टंजा में चैप्टर लंबा होने के कारण हम वर्ड मीनिंग पहले लिख दिए। यह चैप्टर बहुत लंबा है और टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम वर्ड मीनिंग को बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा लाइन बाई लाइन। तो आइए जानते हैं थर्ड अष्टंजा का। लिखा हुआ ही रीच्ड मतलब पहुंचा, डाउन फ्रॉम, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम में फीसर मतलब दरार, इन द अर्थ का मतलब पृथ्वी, जमीन या भूमि, एंड ट्रेलेड का मतलब खींचा,
हीज येल्लो ब्राउन, येल्लो मतलब पीला, ब्राउन मतलब भूरा, अस्लाइकनेस मतलब चिकना, सॉफ्ट बिलीव मतलब मुलायम। फिर कहते हैं ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्राउ, एज का मतलब धार, ट्राउ का मतलब नाद, स्टोन मतलब पत्थर। फिर उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ एंड रेस्टेड, आराम किया, थ्रोट गला, ओपन ऊपर, द स्टोन बॉटम, बॉटम का मतलब नीचे, एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, टैप मतलब नल, और ड्रिप मतलब टपकना, इन ए स्मॉल क्लियरनेस यानी साफ या साफ साफ, ही सिप्ड मतलब पिया, विथ हीज स्ट्रेट माउथ, स्ट्रेट मतलब सीधा, माउथ मतलब मुंह, सॉफ्टली ड्रंक, सॉफ्टली मतलब नरमी से, ड्रंक मतलब पिया, ट्राउ मतलब नाद, हीज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, गम्स मतलब मसूरा, इंटू हीज अस्लाइक, अस्लाइक मतलब चिकना, लॉन्ग मतलब लंबा, और बॉडी मतलब शरीर, साइलेंटली मतलब धीरे धीरे, साइलेंटली का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे। तो आइए अब जानते हैं इसका थर्ड स्टंजा का हिंदी यानी अर्थ। तो देखिएगा कह रहे हैं लेखक, लेखक कौन है, डीएच लॉरेंस यानी कवि डीएच लॉरेंस बोल रहे हैं कि ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ बाल इन द गलूम, बाल मतलब दीवार। तो कहते हैं कि जो सांप था, जो सांप था वह लेखक का जो घर था उस घर के दीवार के दरार से, किसे जी, दरार से अंदर आया था यानी घर में एंट्री किया था, एंड ट्राइलेड हिज येल्लो ब्राउन अस्लाइकनेस सॉफ्ट बिलीव्ड ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्राउ। कहते हैं उसकी जो चिकनी शरीर थी येल्लो ब्राउन थी, कैसी थी, येल्लो ब्राउन थी, और वह अपने शरीर को घर में जाने के लिए खींचा, घर में जाने के लिए खींचा, जहां पर नाद रखा हुआ था यानी पत्थर की नाद रखी हुई थी, वहां पर जाने के लिए सांप घर के दीवार के दरार से अपने मुलायम एकदम चिकनी शरीर को खींचा, ट्राइलेड किया यानी खींचा, एंड रेस्ट हिज थ्रोट और कहा वह आराम किया, अपन द स्टोन बॉटम यानी उस नाद के नीचे जाकर गले को ऊपर कर आराम किया, किसने आराम किया, सांप ने आराम किया, एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और जहां से पानी के बूंदे नल के द्वारा धीरे 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 साफ साफ टपक टपक कर बूंदे बूंद गिर रहा था, उस जगह सांप अपने गले को ले जाकर खींचा और आराम किया, जहां पर पानी की नाद रखी हुई थी। फिर कहते हैं ही सीप, ही
सिप वह पानी को पिया, बीत हीज स्ट्रेट माउथ, वह अपने मुंह को यानी गले को सीधा कर पानी को पिया। कौन पिया? सांप ने। सॉफ्टली ड्रांक, धीरे धीरे कोमलता से पिया। ट्राव हीज स्ट्रेट गम्स इनटू हीज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, और जब वह पानी को पी लिया तो पानी पीने के बाद वह अपनी लंबी शरीर को घुमाकर अर्थात कुंडली मारकर बैठ गया। यानी जानते हैं कि सांप बैठा है तो कुंडली मारकर इस तरह से कर लिया, इस तरह से अपने मुरी को निकाल लिया। तो क्या हुआ कि कुंडली मारकर पहले गया, उसके बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद पानी उस जगह पर पिया जहां पर नाद से पानी टपक रहा था नल के द्वारा धीरे धीरे, और पानी पीने के बाद वह अपने लंबे शरीर को घुमाकर अर्थात कुंडली मारकर बैठ गया। चलिए देखते हैं स्नेक का चौथा स्टंजा। लेखक बोलते हैं चौथी स्टंजा में समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्राउ एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर बैटिंग। समवन का मतलब कोई, बिफोर मतलब पहले, वाटर ट्राउ मतलब पानी का नाद, एंड आई लाइक ए सेकेंड मतलब दोबारा, कॉमर मतलब आने वाला, बैटिंग मतलब इंतजार कर रहा। यानी लेखक कहते हैं कोई मेरे पानी के नाद के पास आया था, कोई मेरे पानी के नाद के पास आया था। एंड आई लाइक ए सेकेंड कॉमर बैटिंग, और जब मैं गया तो मेरा जो नंबर था दूसरा नंबर था, यानी मैं सेकेंड में था, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। यानी कहने का मतलब लेखक जब गए नाद के पास तो उनको अनुभव हुआ, हुआ फील किए कि मेरे से पहले कोई और नाद के पास आया था और मेरा जो नंबर है दूसरा नंबर पर है, इसीलिए वह इंतजार कर रहे थे। फिर देखिए कहते हैं पांचवी स्टंजा में ही लिफ्ट हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल। कैटल का मतलब मवेशी, मवेशी मतलब जानवर, अड्डू मतलब करना, लिफ्ट मतलब उठा या उठाया, हेड मतलब सिर। फिर कहते हैं लेखक पांचवी स्टंजा में कि ही लिफ्ट हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, कहते हैं उसने अपने सिर को उठाया पानी पीने के लिए एज कैटल डू, और वह इस तरह से उठाया कि जिस तरह से जानवर यानी मवेशी पानी के पीने के बाद अपने सिर को उठाते हैं, ठीक उसी तरह से सांप भी पानी के पीने के बाद अपने सिर को उठाया। फिर बोलते हैं एंड लुकेड एट मी भेगू। भेगू मतलब अस्पष्ट यानी साफ साफ नहीं। आई ड्रिंकिंग कैटल डू,
कहते हैं एंड लुकेड एट मी भाई गुली, यानी जो साथ था वह मुझे स्पष्ट दिखाई दिया, यानी साफ साफ दिखाई नहीं दिया। आज ड्रिंकिंग कैटल डू, लेकिन मैंने इतना देखा कि जिस तरह से जानवर पानी पीने के बाद अपने सिर को उठाते हैं, ठीक उसी तरह से सांप पानी पीने के बाद अपने सिर को उठाया। मैंने भयगुली देखा, यानी अस्पष्ट देखा। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट भी आइए। एंड फ्लिकरेड हिज टू फोर्केड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड मस्ट ए मोमेंट। कहते हैं फ्लिकरेड का मतलब झिलमिलाना, फोर्केड का मतलब दो नोक वाला, टंग का मतलब जीव, फ्रॉम हिज लिप्स का मतलब ओट, एंड मस्ट ए मोमेंट का मतलब पल या क्षण या समय। फिर कहते हैं और कराए एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्केड टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड मस्ट ए मोमेंट। और उसके बाद कहते हैं लेखक कि और अपना काटेदार जीभ को, जिसमें दो नख होते हैं, यानी सांप के जो जीभ होते हैं तो एक जीभ में दो नख होते हैं, तो वह अपने जीभ को झिलमिलाया यानी बाहर निकाला कुछ पल के लिए, मोस्ट ए मोमेंट, कुछ पल के लिए सांप अपने जीभ को बाहर निकाला। कितने नोक वाले? दो नोक वाले। सांप के जीभ एक होते हैं लेकिन उसमें दो फ्लिकरेड होते हैं, यानी दो नोक होते हैं, तो सांप अपने जीभ को, दो नोक वाले जीभ को निकाला कितने पल के लिए? मस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। उसके बाद निकालने के बाद हुआ अपने ओठ को चाटा। फिर कहते एंड स्टॉप्ड एंड ड्रांक के लिटिल मोर, और थोड़ा रुका यानी आराम किया, और फिर से हल्की सी थोड़ी मात्रा में पानी पिया। कहते बिंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना, बॉवेल्स का मतलब आंत, यानी पेट वाले जो भाग होते हैं सांप के, अगला भाग उसी को बोलते हैं बॉवेल्स, ऑफ द अर्थ ऑन द डे ऑफ सिसलिन जुलाई बीट एटना स्मोकिंग। कहते हैं उसके बाद कि उस दिन जुलाई के महीने में इतना गर्मी था जिस तरह की सिसली में गर्मी होती थी, इतना ज्यादा गर्मी था कि पृथ्वी जलकर भूरा और गोल्डन हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा स्टंजा। तो छठा स्टंजा में कहते हैं द वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज, ऑफ माई एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, सेड टू मी, सेड मतलब कहा, ही मस्ट मतलब जरूर, किल्ड मारो, फोर इन सिसली, द ब्लैक ब्लैक ब्लैक्स आर इनोसेंट मतलब निर्दोष, द
द गोल्ड, गोल्ड मतलब सुनहरा, आर वेनोमस मतलब जहरीला। एंड वॉइस इन मी सेड इफ यू बेयर ए मैन, मैन का मतलब इंसान, यू वुड टेक ए स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, एंड ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, हिम नाउ एट फिनिश मतलब समाप्त करना या मारना। और देखिएगा कह रहा है छठा स्तंजा में लेखक बोलते हैं, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, यानी लेखक कहते हैं कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरी जो अंदर की आत्मा थी, जो दिल था, वो बोल रहा था कि तुम उसे मार दो, ही मस्ट बी किल, तुम्हें उसे जरूर मारना चाहिए। फोर इन सीसली द ब्लैक, ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, लेकिन मेरा दिले भी बोल रहा था, सीसली का जो सांप होता है, जो ब्लैक स्नेक होते हैं, वह इनोसेंट होते हैं यानी निर्दोष होते हैं, द गोल्ड आर वेनोमस, और जो गोल्ड होते हैं यानी जो सुनहरा होते हैं वो जहरीला होते हैं, फिर भी मेरी अंदर की दिल कह रहा था कि वह जो सांप दिख रहा है ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार दो। कहते फिर एंड वॉइस इन द मी सेड, मेरी अंदर की आत्मा कह रही थी, दिल कह रही थी, हृदय बोल रही थी, ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार दो। इफ यू बेयर ए मैन, यदि तुम एक इंसान हो, तुम एक इंसान हो, तुम में इंसानियत है, तो तुम उसे जरूर मार दो। यू वुड टेक ए स्टिक, तुम एक छड़ी लो, कौन बोल रहा है, अंदर की आत्मा लेखक का, यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक, तुम एक छड़ी लो और इसे तोड़ दो, हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और छड़ी लेने के बाद तुम इसे तोड़ दो और उसे समाप्त कर दो, यानी सांप को क्या करो, मार डालो। इस तरह से लेखक समझाए। चलिए देखते हैं छठा स्तंजा। तो छठा स्तंजा में कहते हैं द वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज, ऑफ माई एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, सेड टू मी, सेड मतलब कहा, ही मस्ट मतलब जरूर, किल्ड मारो, फोर इन सिसली द ब्लैक, ब्लैक ब्लैक्स आर इनोसेंट मतलब निर्दोष, द गोल्ड, गोल्ड मतलब सुनहरा, आर वेनोमस मतलब जहरीला। एंड वॉइस इन मी सेड इफ यू बेयर ए मैन, मैन का मतलब इंसान, यू वुड टेक ए स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी, एंड ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, हिम नाउ एट फिनिश मतलब समाप्त करना या मारना। और देखिएगा कह रहा है छठा स्तंजा में लेखक बोलते हैं, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, यानी लेखक कहते हैं कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरी जो अंदर की आत्मा थी,
जो दिल था वो बोल रहा था कि तुम उसे मार दो, ही मस्ट बी किल, तुम्हें उसे जरूर मारना चाहिए। फोर इन सिसली द ब्लैक ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, लेकिन मेरा दिले भी बोल रहा था। सिसली का जो सांप होता है, जो ब्लैक स्नेक होते हैं, वह इनोसेंट होते हैं, यानी निर्दोष होते हैं। द गोल्ड आर वेनोमस, और जो गोल्ड होते हैं यानी जो सुनहरा होते हैं, वो जहरीला होते हैं। फिर भी मेरी अंदर की दिल कह रहा था कि वह जो सांप दिख रहा है, ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार दो। कहते फिर एंड वॉइस इन द मी सेड, मेरी अंदर की आत्मा कह रही थी, दिल कह रही थी, हृदय बोल रही थी, ही मस्ट बी किल्ड, उसे जरूर मार दो। इफ यू बेयर ए मैन, यदि तुम एक इंसान हो, तुम एक इंसान हो, तुम में इंसानियत है, तो तुम उसे जरूर मार दो। यू वुड टेक ए स्टिक, तुम एक छड़ी लो। कौन बोल रहा है? अंदर की आत्मा लेखक का। यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक, तुम एक छड़ी लो और इसे तोड़ दो। हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और छड़ी लेने के बाद तुम इसे तोड़ दो और उसे समाप्त कर दो, यानी सांप को क्या करो, मार डालो। इस तरह से लेखक समझाए। चलिए देखते हैं हम सातवां स्टंजा। सातवां स्टंजा में डीएच लॉरेंस कहते हैं, बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइकेड हिम, यानी बोलते हैं डीएच लॉरेंस कि मैं ही जानता हूँ, मैं ही स्वीकार करता हूँ कि उस सांप को मैं कितना लाइक करता था, यानी पसंद करता था। फिर कहते हैं हाउ ग्लैड, ग्लैड का मतलब खुश, आई बाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान, इन क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप। कहते हैं कि मैं उसे देखकर कितना खुश हुआ, मैं उसे कितना पसंद करता था, मैं उसे देखकर कितना खुश हुआ, मुझे कितना खुशी हुई उसे एक गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में देखकर, क्योंकि वह मेरे नाद के पास एक मेहमान का जैसा शांति पूर्वक से बैठा था, इसीलिए मैं उस सांप को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पसंद करने लगा। कहते टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्राउ, यानी जो सांप था वह सांप मेरे नाद के पास एक गेस्ट के रूप में, यानी एक मेहमान के रूप में आया था। एंड डिपार्ट पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, उसके बाद कहते हैं और वह शांतिपूर्ण, पानी पीने के बाद वह शांतिपूर्ण डिपार्ट हो गया, यानी रवाना हो गया बिना थैंक कहे हुए, यानी एक नमक हराम की तरह। सांप जो था मेरा पानी पीने के बाद मुझे कुछ बोलकर जाना चाहे, लेकिन बिना बोले हुए
वह डिपार्ट हो गया यानी रवाना हो गया एक नमक हराम की तरह जाने लगा। करा इंटू बर्निंग बॉबेल्स ऑफ दिस अर्थ, कराए पृथ्वी जो थी जलकर तो भूरा और सुनहरा हो ही गया था, जिसके कारण उसके जो अगला हिस्सा था यानी पेट था, बॉबेल्स था यानी आत था, वह जल रहा था। इतना ज्यादा गर्मी था कि कहते हैं कि बाज इट को बार डाइस, मैंने सांप को नहीं मारा तो क्या मैं कायर था। कहते हैं डेट आई डेरेड नॉट किल हिम, क्या मुझे सांप को मारने की हिम्मत नहीं थी, क्या मैं कायर था या फिर मुझे सांप को मारने की हिम्मत नहीं थी। फिर कहते हैं बाजी परभर सिटी, क्या मैं सनकी था। डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे लंबे समय तक बात करने के लिए इंतजार करता रहा, क्या मैं सनकी था, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर बोलते हैं बाज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनरेड, ऑनरेड का मतलब सम्मान इज्जत। तो कहते हैं क्या मेरे पास इंसानियत थी कि मैं उसे देखकर सम्मान महसूस कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, इज्जत महसूस कर रहा था उसे नहीं मारकर। आई फेल्ट सो ऑनरेड, जब मैंने उस सांप को नहीं मारा तो मैं अपने आप में बहुत सम्मान महसूस किया, इज्जत महसूस किया। ठीक है, इस तरह से लेखक ने अष्टांजा को समझाते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे हम अगला अष्टांजा के बारे में, अर्थात पार्ट 3 के बारे में। लेकिन आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, या आपको वर्ड मीनिंग का या लाइन बाय लाइन हिंदी का या अर्थ का, तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हल कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।